गाइस, आई एम वैशाली खिकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं VLSI टेक्नोलॉजी। ये लास्ट लेक्चर है फोटोलिथोग्राफी के ऊपर और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एंड द सेफ्टी सिस्टम्स इन द लिथोग्राफी प्रोसेस। सो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने फोटोलिथोग्राफी ऑप्टिकल लिथोग्राफी के कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस करे थे, वी मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन लिथोग्राफी और जहाँ पर हमने एक्सट्रीम यूवी लिथोग्राफी और एक्सरे लिथोग्राफी डिस्कस करा था, तो जाकर देख आइए अगर नहीं देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बीम? द इलेक्ट्रॉन बीम इज अ बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग मास्क एंड रेटिकल्स, राइट? मास्क बनाने के लिए, रेटिकल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। 0.014 माइक्रोमीटर जितना रेजोल्यूशन हमें मिल सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंटिंग पॉसिबल है और कोई मास्क रिक्वायर्ड नहीं है, तो मास्क की जो भी सारी ड्रॉबैक्स थी वो यहाँ पर कंपनसेट हो गई है। थ्रूपुट यहाँ पर कम है बट यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा उसकी रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है। वी आर यूजिंग अ सिस्टम ओवर हेयर विच इज स्कैटरिंग एक्सपोजर सिस्टम, स्कैल्पेल सिस्टम। तो यहाँ पर वी विल डिस्कस द टूल डेवलपमेंट, रेटिकल मेकिंग एंड द रेजिस्ट डेवलपमेंट इन द दिस सेक्शन, राइट? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है और वी आर यूजिंग सम मास्क ओवर हेयर। यहाँ पर मास्क की हेल्प से, एक लेंस की हेल्प से वी आर यूजिंग अ ब्लैंकिंग प्लेट विद द हेल्प ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग ओवर हेयर। यहाँ पर एक फर्दर एक और लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम विल कन्वर्ज और यहाँ पर जैसे ही कन्वर्ज हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर स्टिगमेटर्स, रिफ्लेक्शन कॉइल्स यूज करेंगे जिससे कि बीम को एक डिजायर डायरेक्शन मिल जाए। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न बीम डिजायर डायरेक्शन में जाए, जैसे ही डिजायर डायरेक्शन में जाने लगेगी इसको फोकस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वन मोर लेंस। सो दिस इज द सिस्टम फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। पूरा सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव अ स्कैल्पेल सिस्टम। स्केल्पेल सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को हमने स्कैटरिंग मास्क में से डाला, जैसे स्कैटरिंग मास्क में से डालेंगे इट विल स्कैटर। ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है इसको हम लेंस के थ्रू पास करवाएंगे और लेंस के थ्रू पास कराते ही वी विल गेट इवन इलेक्ट्रॉन बीम। इस इवन इलेक्ट्रॉन बीम को स्केल्पेल से पास कराकर वी विल गेट द इलेक्ट्रॉन बीम ओवर हेयर जिसे हम डिजायर डायरेक्शन में मिल जाएगी और डिजायर डायरेक्शन में मिलने के बाद वी कैन यूज अ लेंस एंड वी कैन फोकस द इमेज इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द वेफर, राइट? सो जहां जहां डिजायर्ड है वहां वहां पर हम इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर सकते हैं। देन वी हैव आयन बीम लिथोग्राफी। इलेक्ट्रॉन बीम की जगह हम आयन बीम को यूज कर सकते हैं लिथोग्राफी के लिए और आयन बीम को यूज करा तो बेटर रेजोल्यूशन मिल जाएगी। वी कैन यूज द डायरेक्ट राइटिंग एंड प्रोजेक्शन रेजिस्ट एक्सपोजिंग, राइट? सो प्रोजेक्शन रेजिस्ट एक्सपोजिंग हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम जो भी पैटर्न है उसको वेफर के ऊपर बना सकते हैं। डायरेक्ट आयन इम्प्लांटेशन एंड आयन बीम स्पटरिंग पैटर्न एच विल वी कैन यूज। तो यहाँ पर प्रोसेस स्टेप्स बहुत रिड्यूस हो जा रहे हैं। जिस प्रोसेस स्टेप से हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी थी, आयन इम्प्लांटेशन करना था, उन्हीं आयन्स को यूज कर कर पहले हम पैटर्न्स बना लेते हैं और उन्हीं आयन्स के थ्रू हम नेक्स्ट आयन इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो सेम ही आयन यूज हो रहे हैं, पहले पैटर्न बना देंगे और उसके बाद आयन इम्प्लांटेशन कर लेंगे। यहाँ पर सीरियल राइटिंग है, एक वेफर एक ही बार में प्रोसेस होएगा, सीरियली प्रोसेस होएगा और जिसकी वजह से थ्रूपुट कम हो जा रहा है, राइट? वी कैन नॉट यूज इट इन मास प्रोडक्शन एंड दिस इज द इशू विद द आयन बीम लिथोग्राफी। मास्क और रेटिकल रिपेयरिंग यहाँ पर जरूरी होगी एंड आईसी डिवाइस डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग विल ऑल्सो भी डिफिकल्ट। सेफ्टी पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर जब भी हम फोटोलिथोग्राफी की बात करते हैं हम चार टाइप की सेफ्टी की बात करेंगे। फर्स्ट इज केमिकल सेफ्टी, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन सेफ्टी। सो फर्स्ट केमिकल सेफ्टी की बात करते हैं। अगर हम वेट क्लीनिंग कर रहे हैं तो वेट क्लीनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज होता है विच इज करोसिव, तो इसे बहुत ही हमें अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। देन वी हैव द हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 विच इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, यू शुड केयरफुली हैंडल इट। ज़ाइलीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड द डेवलपर ऑफ नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। जो ज़ाइलीन है वो फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव है, तो ये लीक नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल है, राइट? एक्सप्लोसिव है, तो इसको वेरी केयरफुली यू हैव टू हैंडल। देन वी हैव HMDS इज अ प्राइमर जो एडेसिव की तरह यूज होता था, अगेन इट्स अ फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव।
दोस्तों HMDS को भी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। ये सारे केमिकल्स हमारे, आप देख पा रहे हैं, आइदर एक्सप्लोसिव, करोसिव, पॉइजनस और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स, इनको हैंडल केयरफुली नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन लाइफ को या किसी भी हमारे लिविंग बींग को अफेक्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। सो देन वी हैव द TMAH विच इज अ पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट डेवलपमेंट सॉल्यूशन, ये भी पॉइजनस होता है, करोसिव भी होता है, तो वी शुड हैंडल इट विद केयर, राइट। मर्करी वेपर्स यूज होते हैं, पर मर्करी वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक, इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि किसी भी इंसान की लाइफ पर आ सकती है, राइट। इवन दे कैन कंज्यूम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी, उनकी लाइफ ही चली जाएगी। वी कैन यूज यूवी लैम्प। क्लोरीन, क्लोरीन इज अगेन एक्सपोज फ्रॉम एक्साइमर लेजर, अगेन टॉक्सिक एंड करोसिव, क्लोरीन इज टॉक्सिक एंड करोसिव। फ्लोरीन एक्साइमर लेजर से आता है, अगेन टॉक्सिक एंड करोसिव। मैकेनिकल सेफ्टी की बात करें, जब हम फोटोलिथोग्राफी की बात करें, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे हॉट सर्फेसिस, हॉट प्लेट्स यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर लम्स यूज हो रहे हैं, सो वी शुड हैव मैकेनिकल सेफ्टी ऑल्सो। इंसान को फोटोलिथोग्राफी करने से पहले अपने आप को मैकेनिकल सेफ्टी प्रोवाइड करना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। देन कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सो वी आर यूजिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई विच इज डेंजरस, वी आर यूजिंग पावर ऑफ ग्राउंड, स्टैटिक चार्जेस आर देयर, टैग आउट एंड लॉकड आउट कंडीशंस आर देयर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने बहुत जरूरी है। कमिंग टू द रेडिएशन सेफ्टी, यूवी लाइट्स हम यूज करते हैं, यूवी लाइट कैन ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स ऑल्सो, तो ये रेडिएशन की तरह फैल जाएगा एंड इट कैन ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे यूवी लाइट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फॉल करते हैं, उनके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर डिटायरेट हो जाते हैं एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू द यूवी डैमेज, यूवी से डैमेज हो जाएंगे एंड दे कैन बी, दिस इज द रीजन यूवी लाइट इज यूज टू किल बैक्टीरिया फॉर स्टरलाइजेशन, बट अगर लीक हुआ तो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर देगा, इट कैन कॉज आई इंजरी अगर आप यूवी सोर्स से डायरेक्टली देख लें, राइट। यू शुड ऑलवेज यूज यूवी प्रोटेक्शन गोगल्स विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, नॉट समटाइम्स ऑलवेज। सो कमिंग टू द समरी ऑफ फोटोलिथोग्राफी, फोटोलिथोग्राफी इज अ टेम्पररी पैटर्निंग प्रोसेस, एक प्रोसेस स्टेप के बाद फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, जैसे ही प्रोसेस हो जाती है पैटर्न को हटा देते हैं, दस इट्स अ टेम्पररी प्रोसेस। इट इज अ मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस स्टेप इन द IC प्रोसेसिंग, मैंने आपको बताया था क्यों, इससे हमें रेजोल्यूशन पता लगता है, डिफेक्ट डेंसिटी पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोलिथोग्राफी ओनली वी आर मेकिंग अ गिवन सब्सटेंस, अ गिवन स्ट्रक्चर, एक MOSFET बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, डायोड बनाना है, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से ही बनाया जा सकता है। फोटोरेजिस्ट के कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े थे, दो टाइप की फोटोलिथोग्राफी पढ़ी थी, बेस्ड अपॉन द फोटोरेजिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो नाउ वी डिस्कस द प्रोसेस स्टेप, प्री बेक डिस्कस करा, प्राइमर कोटिंग, फोटोरेजिस्ट स्पिन कोटिंग, सॉफ्ट बेक, एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर बेक, डेवलपमेंट, हार्ड बेक एंड इंस्पेक्शन। न्यू जनरेशन लिथोग्राफी में एक्सट्रीम यूवी एंड इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी डिस्कस करा। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं, द लिंक इज प्रेजेंट फॉर आर मोबाइल ऐप इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज द मोबाइल ऐप टू एक्सेस द नोट्स, राइट। सो एक्सेस कर लीजिए नोट्स एंड यू कैन रिवाइज विद द हेल्प ऑफ नोट्स इन अ फास्टर मैनर, and also we can have the look at the courses present in the mobile app, wo courses mein aap dekhenge ki aapko without ad aapko sari videos mil ja rahi hain, so it is highly recommended go to the mobile app, check out the various features over there and give me your feedback for that also, which is highly required and also it will be much appreciated. Thank you so much and we will meet soon in the next class, we will start the next process which is diffusion there. Bye-bye.